दार बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया उठा पतवार आके उठा पतवार बोलो मेरे दिलदार बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया मेरे गाओ गाओ पड़ी उठा पतवार उठा पतवार कौन कौन देगा अपनी नाव मेरे बाबा के हवाले कौन कौन एक बात बोलूं पतवार की भी जरूरत हमें पड़ती है पतवार की भी जरूरत हमें पड़ती है भजन में लिखा गया है उठा पतवार आकर अगर इसे पतवार मिल गई फिर तो पता नहीं ये क्या कर देगा लेकिन सच्चाई है पतवार की जरूरत इंसान को पड़ती है नदी पार करने के लिए इसकी नाव पतवार से नहीं चलती मेरे भाई इसकी नाव सिर्फ इसकी आंख के एक इशारे से चलती है मैं हमेशा कहता हूं हमेशा जितनी देर बैठो दिल से एक बार बाबा की आंखों में आंखें डालकर देखना जरूर कारण आप 100 बार देखोगे कुछ नहीं होगा लेकिन गलती से अगर इसने एक बार भी आपको नजर उठाकर देख लिया तो आपकी नाव पार हो जाएगी उसे फिर कभी कोई डुबा नहीं पाएगा मेरे भाई ये इस दरबार की महिमा है सिर्फ इशारा होता है और भक्त की नाव पार आज कौन कौन देगा अपनी नाव बाबा के हाथ में उठा लो हाथ बिल्कुल सीधे मैंने कहा ना अब कीर्तन नहीं अब संकीर्तन होना चाहिए दोनों हाथ खोलकर और ताली बजाकर कहेंगे बाबा से के बाबा मेरे दिलदार बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया मेरे दिलदार बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया उठा पतवार आके मेरे दिलदार बाबा सुन पड़ी मझधार जिसे भरोसा है एक बार ये हाथ उठाकर जिसे भरोसा है ये हाथ उठाकर ये ताली बजाकर बोलोगे 1 2 3 कितने हारे हुए हैं एक बार ताली बजा कर कहो बाबा से जो हारा हुआ है हार कर कहो क्या मैं तो हूँ बाबा बहुत दुखारी मैं बोलो बोलो बहुत दुखारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी हो मैं तो हूँ बाबा बहुत दुखारी मैं तो श्याम मुरारी तुम्हारा नाम सुन करके हमारे पास आया हूँ तुम्हारा नाम सुन करके तुम्हारे कौन सा नाम सुनकर कौन सा नाम सुनकर हारे के सहारे की हाथ उठाकर कह दो हाथ उठाकर बजाओ ताली सुन करके तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा नाम सुन करके तुम्हारे पास आया हूँ
भरोसा है, है विश्वास किस चीज को भरोसा है कि बाबा ने थाम ली तो गाड़ी पार हो जाएगी। पर कहते हैं अगर तैरने वाला और तिराने वाला ऐसा हो तो फिर कभी कोई डूब नहीं सकता। और अगर इसने आज आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ लिया ना और इसने कह दिया भाई जाके पिछली सीट पर बैठ जाओ, मैं बैठा हूँ तेरी गाड़ी में, मैं कसम खाकर कहता हूँ फिर चाहे वन वे हो और चाहे थ्री वे हो चाहे सिक्स वे हो, आपकी गाड़ी को कोई छू भी नहीं पाएगा मेरे भाई। अगर भरोसा है तो हाथ उठा लो, अगर विश्वास है तो हाथ उठा लो। बिल्कुल सीधे हाथ बाबा के नाम से उठो कुछ देर के लिए। वन टू थ्री लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारा नाम जपता हूँ, लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारा नाम जपता हूँ। लगा दे पार आगे, लगा दे पार आगे, मेरे दिलदार बाबा से बड़ी मजेदार नहीं भैया, मेरे दिलदार बाबा से बड़ी मजेदार नहीं भैया। भरोसा है बाबा आएगा, भरोसा है बाबा आएगा, आपका नहीं पता पर जिस तरह आप भजन गा रहे हो मुझे भरोसा है कि आएगा, मुझे विश्वास है आएगा। एक बार हाथ उठाकर बुलाओ बाबा को, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर कह दो एक बार, कब से पुकारूं सुनता नहीं है, कब लोग कहते हैं ना जो ये बात कहते हैं बाबा नहीं आता, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई और नहीं है। ये आज भी आता है, कमी इसके आने में नहीं है, कमी कहीं ना कहीं हमारे बुलाने में है। यहाँ बैठे हैं टेंशन घर पे क्या हो रहा होगा सब भूल जाना, अगर आप यहाँ हो तो आपके घर के बाहर कोई और नहीं मेरा बाबा खड़ा होगा इस वक्त। उठा रहा हाथ बिल्कुल सीधे, उठा हाथ सारे मिलकर कहो मेरे बाबा से कि बाबा कब से पुकारूं सुनता नहीं है, कब से पुकारूं सुनता नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, बनवार तुझ बिन कुछ भी नहीं है, बनवार तुझ बिन कुछ भी नहीं है, नहीं कोई सहारा है मगन रहता हूँ फिर भी मैं, नहीं कोई सहारा है मगन रहता हूँ फिर भी मैं, तुम्हारे गीत गाके तुम्हारे गीत गाके, मेरे दिलदार बाबा बड़ी मजेदार नहीं भैया, मेरे दिलदार
मैं हमेशा हर दरबार में कहता हूं, इस कलयुग में आपका जो काम करोड़ों रुपया नहीं बना सकते ना, वो काम इस दरबार में गाया हुआ एक भजन बना सकता है। मैं क्यों गवा रहा हूं आपसे, एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। लोग कहते हैं भजन गाने से होता क्या है, हम तो रोज गाते हैं। नाम लेने से होता क्या है, हम तो रोज लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे गरीब का घर हो और चाहे करोड़पति की कोठी, जब अंधेरा होता है तो सिर्फ 2 रुपए की मोमबत्ती काम आती है भाई। ताली बजा। मेरी बात को समझना, भजन है क्या? जो लोग मजाक समझते हैं ना, भजन को मजाक समझते हैं, भजन कीर्तन को मजाक समझते हैं, भजन गाना मजाक समझते हैं, ये बात उनके लिए कह रहा हूं। वो हमें बेवकूफ कहते हैं, पर मैं कहता हूं उनसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। कहावत है कि जहां काम आती है सुई, क्या करती तलवार है। आप होंगे करोड़पति अपने घर में, लेकिन जब बत्ती चली जाती है ना, उस वक्त आप बड़े से बड़े करोड़पति भी 50 पैसे की माफी बांचे से ढूंढते फिरते हैं अपने घर में। कारण कि बस किसी भी तरह थोड़ी सी रोशनी हो जाए और हमें रास्ता नजर आ जाए। ताली बजाना। ये जो आप भजन आज गा रहे हो ना, ये भजन गा रहे हो, ये वो 2 रुपए की मोमबत्ती है इस वक्त। ये अभी काम नहीं आएगी आपके, मैं मानता हूं अभी नहीं आएगी, लेकिन जीवन में जब कभी बहुत गहरा संकट आ जाए और चारों ओर अंधेरा नजर आए, कुछ भी ना सूझे, उस वक्त मंदिर में बैठकर बाबा से कहना, बाबा उस दिन तुझे 2 भजन सुनाए थे, तुझे कसम है मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं कसम खाकर कहता हूं उसी वक्त दिया भी जलेगा और उसी वक्त आपको इस अंधेरे में रास्ता भी मेरा ठाकुर नजर दिखवाएगा। ये वो दरबार है, एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कहोगे बाबा से, सारे मिलकर कह दो, ए मेरे मालिक देना सहारा, ए मेरे मालिक देना सहारा, छोड़ न देना साथ हमारा, छोड़ न देना साथ हमारा, नाम तुम्हारा जान से प्यारा, नाम जान से प्यारा, लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारा नाम जपता हूँ, लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारा नाम जपता हूँ, लगा दे पार आगे, लगा दे पार आगे, मेरे दिलदार बाबा सुनो कड़ी मजेदार में, मेरे दिलदार बाबा सुनो कड़ी मजेदार में, दैया भरोसा है, किस किस को भरोसा है कि बाबा